यूपी में अगर ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना है आपको, तो उसके लिए क्या दारू पिलाना, मांस खिलाना, मदिरा का सेवन, या लोगों को साड़ी देना, कंबल देना, चाय पानी कराना, या किसी प्रकार का लालच देना, या उन्हें धमकी देना, या उन्हें जान से मारने की धमकी देना? क्या ये सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके यूपी में ग्राम प्रधानी चुनाव जीता जाता है? इसका जवाब है नहीं। ये सारे अस्त्र शस्त्र चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये सारे अस्त्र शस्त्र सिर्फ और सिर्फ क्षणिक प्रभाव डालते हैं, और इस तरह का प्रभाव डाल करके आप चुनाव में सफलता पाने की उम्मीद मत कीजिए। आप भले ही धनवान हों, बाहुबली हों, प्रभावशाली हों, आपका जिले तक, मंडल तक अच्छे नेताओं से अच्छी पकड़ हो, सत्ताधारी पार्टी में हो, फिर भी आप अगर चाहेंगे तो प्रेम पूर्वक अपने चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव। लोग जीतने के लिए तमाम अलग अलग तरीके का व्यवस्था बनाते हैं, और उसके अंतर्गत अपनी छवि को कभी खराब करते हैं तो कभी अच्छा करते हैं। छवि खराब करने में तो बहुत ज़्यादा लोग आगे हो चुके हैं, और अच्छी छवि वाले लोगों की कमी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई पहुंच नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आप प्रभावशाली नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है, फिर भी आप यूपी में प्रधानी चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव आसानी से जीत पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, जिन्हें आप फॉलो करके आप 1-to-1 योजना के तहत, 1-to-1 कॉन्टैक्ट के तहत आसानी से अपना प्रधानी चुनाव जीत सकेंगे। मुझे फोन आया था एक सप्ताह पहले, दो तीन लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे। वे 8 से 10 सालों तक आईएएस की तैयारी किए, आईएएस की तैयारी करते करते तमाम परीक्षाओं को क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में छटे, कहीं किसी और वजह से हट गए। अब उन्हें लगता है कि अब मैं डीएम नहीं बन सका तो घर वापस जाकर के क्या करूँगा, लोगों से क्या बताऊँगा कि मैं क्यों वापस आया। तो लोगों ने एक योजना बनाई, उन तीन लोगों ने एक योजना बनाई कि तीनों लोग चलो गांव में जा कर के प्रधानी चुनाव की तैयारी करो, और ऐसा अक्सर हो भी रहा है। तो तीनों लोग जब प्रधानी चुनाव की तैयारी करना शुरू किए, तो फिर उनके सामने दिक्कतें आई। अब उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ये तीनों अलग अलग जनपद के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन तीनों फिर एक जगह मिलते हैं और आईएएस की तैयारी करके अपना दिमाग तो डेवलप कर ही चुके हैं, भले वो सिलेक्शन नहीं पाए लेकिन दिमाग तो डेवलप हुआ ना। तो अपने डेवलप हुए दिमाग से उन लोगों ने एक योजना बनाया कि 1-to-1 मीटिंग, अगर वो 8 साल एक नौकरी के लिए समय दे सकते हैं, तो सिर्फ 8 महीने एक प्रधानी चुनाव के लिए नहीं समय दे सकते हैं। तो उन लोगों ने एक एक घर पर, जिस तरीके से जनगणना होती है, तो जनगणना कर्मी डोर टू डोर घर घर जाता है और उनसे पूरे परिवार की आय व्यय का ब्यौरा लेता है और अपने काम को वह संपन्न करता है। तो ठीक इसी तरीके से तीनों मित्रों ने एक योजना बनाया। इस योजना में यह डिसाइड किया गया कि हम लोग हर परिवार से मिलेंगे, परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, क्या उनका कंडीशन है, वे खेती करते हैं कि मजदूरी करते हैं, कि दिल्ली मुंबई मजदूर के रूप में बाहर पलायन किए हुए हैं, कि गांव पर ही कोई बिजनेस करते हैं, कि कोई दुकान करते हैं, कि जॉब की तैयारी करते हैं, उनके बच्चे कितने उम्र के हैं, उनके बच्चे किस उम्र के हैं, कहाँ जाके वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने सेक्टर बनाया कि अगर कोई किसान है, अगर कोई किसान है तो किसान को खुश करने का तरीका क्या हो सकता है। किसान वो जो सब्जी उगाता है, सिर्फ गेहूं चावल पैदा करने वाला व्यक्ति ही किसान नहीं कहा जाता है, सब्जी उगाने वाले को भी किसान कहते हैं, गेहूं चावल वाले पैदा करने वाले को भी किसान कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर वे सब्जी उगाने वालों लोगों को पकड़े, क्योंकि सब्जी उगाना, सब्जी बेचना, यह एक कॉमर्शियल खेती हो गई। अब इन लोगों को अपने प्रभाव में लाने का क्या तरीका हो सकता है, उन लोगों ने तो बहुत पढ़ाई किया है, तमाम विभाग उनका जानकारी है कि तमाम विभाग इससे बने हुए हैं। तो उन लोगों ने सिर्फ 2 मिनट उनसे कृषि से संबंधित विभागों के बारे में बात किया, उसके बाद लास्ट में कौन से सब्जी के लिए कौन से कीटनाशक दवाएं चाहिए,
कौन सी सब्जी किस महीने में उगाई जाती है, किस समय उसका अच्छा उत्पादन होता है, किस तरह की मिट्टी चाहिए, कितनी बार खाद पड़नी चाहिए और क्या क्या उसकी वैज्ञानिक विधि हो सकती है। अब ये पढ़े लिखे युवा अपना यूट्यूब पर कुछ सर्च किए, कुछ गूगल सर्च किए, उन चीज़ों का एक डायग्राम बनाए, क्योंकि ये लोग दिन रात आईएएस की तैयारी करने में यही सब करते थे। तो फिर वही चीज़ की अब उस किसान को लगे समझाने, अब किसानों से एक मीटिंग करने लगे कि हम आपको फ्री में नॉलेज देंगे, फ्री में बताएंगे कैसे क्या करना है कि आप उतना ही मेहनत में उतना ही लागत में सब्जी से दोगुना तीन गुना इनकम कर पाएंगे। अब ये लोग 8 महीने का तो टारगेट बनाए हैं, सिर्फ 2 से 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह में ये लोग किसानों पर अपना पूरा पकड़ बना लिए, पूरा इन लोगों को समझाने बुझाने में पूरा समय देने लगे, डेली 1-1 घंटा। तो आप सोचिए, जितने सब्जी उगाने वाले लोग मजदूर हैं, व्यवहारतः उस व्यक्ति से जुड़ने लगे, ऑटोमेटिक खिंचाव हो गया, लगाव हो गया उनकी तरफ। अब इसके पीछे माइंड क्या है? माइंड यह है कि इस व्यक्ति का वोट लेना। आप किसी से वोट कब ले सकते हैं? जब वो आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड होगा, जब वो आपके व्यवहार में इतना ज़्यादा जुड़ा होगा, आपका व्यवहार उससे इतना गाढ़ा होगा कि वो आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता है। भले ही वो वर्तमान प्रधान से आवाज पाया हो, लेकिन फिर भी उसके परिवार में अगर 4 वोट हैं, कहेगा 2 वोट धीरे से इनको दे दिया जाए। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक व्यक्ति हैं, बराबर मिलते रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो अब सोच लो, अगर 1,20,000 का आवास दिलवाया प्रधान जी ने, और ये इन्होंने केवल सिर्फ आइडिया दिया, फिर भी उनके घर से 2 वोट निकाल लिया। तो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा गांव आवास पाया हो। एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में 10-20-50 आवास आए होंगे यूपी में, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब जिस वर्ग के व्यक्तियों का वोट चाहते हैं, उस वर्ग के व्यक्तियों को डेली लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं, उनके डेली लाइफ की दिक्कतों का एक लिस्ट बना करके उस लिस्ट में सारे क्वेश्चन हों, परेशानियाँ हों, और उन परेशानियों का सोल्यूशन आप इंटरनेट से ले सकते हो, पढ़े लिखे हो, वहाँ से ले लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। एक आईएएस की तैयारी करने में, नौकरी की तैयारी करने में 4 साल 5 साल 8 साल लगाते हो, तो एक ग्राम प्रधानी की तैयारी करने में 1 साल नहीं लगा सकते हो। यही चीज़ें, आप लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको धन दौलत पैसा देंगे, दारू देंगे, मीट देंगे, तभी वो आपके फेवर में रहेंगे। आप नेक बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, मितव्ययी बनेंगे, हेल्पिंग नेचर आपका होगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींच जाएंगे। उसके बाद जब आप कभी एक छोटा सा भोज, एक छोटा सा निमंत्रण, एक छोटी सी पार्टी अपने घर पे रखेंगे, तो लोग समय से पहले आपके दरवाजे पे उपस्थित हो जाएंगे। वो आपका व्यवहार उन्हें खींच कर लाएगा, आपका व्यवहार उन्हें खींच के लाएगा। फिर बाद में आप अनाउंस कीजिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप लोग क्या कहते हैं। आज की वीडियो में बहुत लंबा मैं नहीं बात करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने किया, उन लोगों ने शेयर किया, मैंने पढ़ा उनके मीटिंग का प्लान, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊँ। तो आप अगर जानना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहो, योजना से संबंधित, चुनाव जीतने से संबंधित, लोगों को अपने फेवर में करने से रिलेटेड, गाँव की जनता गाँव के लोगों से किस तरह से जुड़ती है, किस तरह से करती है, सारी बातें इस चैनल पर आपको बताऊँगा। आपको उसमें से जो अच्छा लगेगा उसको अप्लाई कीजिए और चुनाव जीतिए। थैंक यू।